फिटनेस, स्पोर्ट्स, न्यूट्रिशन, इनकी जो दुनिया है इसमें बहुत सारे मिथ्स और फैक्ट्स घूमते रहते हैं। कुछ मिथ्स ऐसी हैं जो बहुत सालों से चलती आ रही है। इनफैक्ट इनमें से एक बहुत ही कॉमन मिथ है सपोर्टर पहनने की मिथ। अब उसे हम जिम्स में सपोर्टर कहते हैं, उसे वेस्टर्न कंट्रीज में जॉकस्ट्रैप के नाम से जाना जाता है, और अखाड़ों में इसी फॉर्म का एक चीज यूज करी जाती है जिसे हम लंगोट कहते हैं। लेकिन इन सब का एक्चुअली में पर्पस एक ही है। जब मैं एथलेटिक्स करता था उस टाइम कुछ कोचेस ने मुझे स्पेशली रिकमेंड करा और कुछ सीनियर प्लेयर्स ने भी कि आप सपोर्टर जरूर पहनिए। उसके बाद मैंने उनसे कभी क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि उस टाइम भी हमें कोचेस को क्वेश्चन करना मना होता था। ऑफ कोर्स मेरे कोच ऐसे नहीं थे, हम उनसे काफी क्वेश्चंस करते थे, बट जनरली हम कोशिश करते थे कि इन छोटी छोटी एडवाइजेस के लिए हम उन्हें परेशान ना करें, हम उन्हें क्वेश्चन ना करें। पर प्रॉब्लम यह है कि बिकॉज हमने कभी उन्हें क्वेश्चन नहीं किया तो आज तक हम उन मिथ्स को फॉलो करते आ रहे हैं। और प्रॉब्लम यह है कि वो मिथ्स आज भी कुछ जिम्स में कंटिन्यूसली चल रही हैं जहां पर द सो कॉल्ड गुरुजी कल्चर चल रहा है। क्योंकि उन जिम में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि वहां पे गुरुजी जिनको बना दिया जाता है उन्हें क्वेश्चन नहीं करा जाता। ये एक बहुत ही रॉन्ग ट्रेंड है और बहुत लोग इसकी वजह से सफर कर रहे हैं। जब मैं अपनी पर्सनल बात करता हूं तो मैंने अपने पूरे एथलेटिक्स करियर में, उसके बाद अपनी पूरी डिफेंस फोर्सेस की ट्रेनिंग में, स्पेशली नेशनल डिफेंस एकेडमी की ट्रेनिंग में, उसके बाद इवन बॉडी बिल्डिंग में मैंने सपोर्टर्स का बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज करा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ एक या दो कॉमन रीजंस लोगों ने दिए। और उनमें से एक रीजन था कि अगर आप सपोर्टर नहीं पहनेंगे और अगर आप कोई हैवी वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको हर्निया होने के चांसेस होते हैं। सेकेंडली काफी लोगों ने बोला अगर आप कोई बहुत ही अग्रेसिव मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे आप स्प्रिंट्स कर रहे हैं, आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हैं, तो आपकी टेस्टिस की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए जिससे हाइड्रोसिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाइड्रोसिल होता है कि आपकी टेस्टिस के अंदर पानी भर जाता है, उसके चांसेस आपको बढ़ जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसी कोई भी साइंटिफिक स्टडी नहीं है। इनफैक्ट एक बहुत ही कॉमन मिथ है, हर्निया और हाइड्रोसिल का सपोर्टर से कोई लिंक नहीं है। और इस वीडियो में मैं आपको इसी मिथ के बारे में बताऊंगा। इनफैक्ट आप bsrupit.com पर जाकर फ्री ईबुक इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऐसी बहुत सी ईबुक स्टडी करी है, वो सिर्फ आप लोगों के लिए है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट वेबसाइट पे जाइए, डाउनलोड करिए, अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कराइए, अदरवाइज ऐसे ही उसको पढ़िए और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लीजिए। ये छोटी ईबुक्स हैं और ये बहुत ही रिसर्च के बेस पर लिखी गई। जब हम सपोर्टर्स की बात करते हैं तो अपार्ट फ्रॉम हर्निया और हाइड्रोसेल के एक और मिथ सुनने को मिलती है, वो ये है कि अगर आप ये नहीं पहनेंगे तो हो सकता है आपका कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डैमेज हो जाए और आप शायद कभी बाप ही ना बन पाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है और ना कोई ऐसा केस आज तक हुआ है। अक्सर बहुत सारे स्पोर्ट्स में हम एक सपोर्टर पहनते हैं जिसमें एक एल गार्ड लगा होता है। एल गार्ड का मतलब होता है एक हार्डन्ड प्लास्टिक का कप होता है जो आपके टेस्टीज और पीनिस को कवर करता है। ये जो एल गार्ड है इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं जहां बहुत तेजी और बहुत स्पीड से आपकी तरफ बॉल आ रही है तो ये एल गार्ड एक 100% रिक्वायरमेंट है। अगर आप आइस हॉकी खेल रहे हैं, आप हॉकी खेल रहे हैं तो उनमें भी जो बॉल आपकी तरफ आ रही है या जो पट आपकी तरफ आता है वो पर्टिकुलर आपके टेस्टीज और पीनिस को डैमेज कर सकता है, इसलिए वहां भी एल गार्ड की जरूरत है। कुछ स्पोर्ट्स जैसे कि एमएमए फाइटिंग जहां पे हम किक्स का यूज करते हैं वहां पर भी एल गार्ड्स का होना बहुत जरूरी है। बट इनके अलावा जो नॉर्मल सपोर्टर्स है जहां पे वो प्लास्टिक हार्डन्ड गार्ड नहीं होता उसके होने का कोई लॉजिक नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड कि इन सपोर्टर्स या लंगोट का ओरिजिन कहां से हुआ। जब हम लंगोट के ओरिजिन की बात करते हैं जो अखाड़ों में यूज होता है तो उसका यूज हजारों सालों से हो रहा है, बट उसका हर्निया या हाइड्रोसेल से तभी भी कोई लिंक नहीं था। जब हम मॉडर्न सपोर्टर्स की या जॉकस्ट्रैप की बात करते हैं तो उसका ओरिजिन हुआ 18th सेंचुरी में। 1874 में एक कंपनी थी जिसका नाम था शिकागो स्पोर्टिंग गुड्स कंपनी, इसने सबसे पहले जॉकस्ट्रैप बनाए। इस शिकागो स्पोर्टिंग गुड कंपनी ने जब ये जॉकस्ट्रैप रेडी करे तो वो रेडी करे कुछ साइक्लिस्ट के लिए, क्योंकि उस समय जो बॉस्टन एरिया था वहां की जो रोड्स थी वो छोटे छोटे पत्थरों की बनी होती थी, पेबल्स की बनी होती थी। तो जब आप साइकिल पे कंटिन्यूसली इनके ऊपर चलते थे तो बहुत सारी वाइब्रेशंस और मूवमेंट्स आती थी जिससे आपके टेस्टीज हर्ट होते थे।
तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने इस जॉक स्ट्रैप को तैयार किया। इसलिए अगर आप वर्ड जॉक स्ट्रैप को अलग अलग करें तो जॉक का मतलब होता है जॉकी, लेकिन ये हॉर्स राइडिंग वाला जॉकी नहीं, ये साइकिल जॉकी था। ये वो साइक्लिस्ट थे जो प्राइमरीली मेल मैन की तरह या पोस्टमैन की तरह काम करते थे। इनफैक्ट ये सेम कंपनी बहुत सालों तक, इनफैक्ट 2016 तक जॉक स्ट्रैप्स बनाकर बेच रही थी और वर्ल्ड की सबसे फेमस कंपनी थी। 130 साल तक इन्होंने जॉक स्ट्रैप्स बेचे और अभी कुछ साल पहले 2016 में इनको किसी दूसरी कंपनी ने खरीद लिया है। उस समय इन कंपनी का नाम था द बाइक कंपनी। इनफैक्ट फनी चीज ये है कि जिस समय इस कंपनी ने जॉक स्ट्रैप बनाने शुरू करे तो सडनली बहुत सारे फिजिशियंस और डॉक्टर्स ने भी इसको रिकमेंड करना शुरू कर दिया। अभी तक तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला, लेकिन सडनली जब ये जॉक स्ट्रैप बने तो उन्होंने ऐसा बोला कि ये आपकी टेस्टीज को बचाने के लिए बहुत ही कंपल्सरी है। लेकिन ये जो जॉक स्ट्रैप था इसमें आगे का जो एरिया होता था उसमें कोई हार्डेंड कप नहीं था जैसे हम एल गार्ड में यूज करते हैं। वो हार्डेंड कप बनाने वाली कंपनी एक कैनेडियन कंपनी थी जिसने 1927 में आइस हॉकी प्लेयर्स के लिए सबसे पहले उस हार्डेंड कप वाले सपोर्टर को बनाया। एशिया में स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन एरियाज में यूज किए जाने वाले लंगोट की बात करते हैं तो उसे साउथ इंडिया में कहते हैं कॉपिनम। अब ये जो लंगोट है ये वैदिक टाइम से यूज हो रहा है। कुछ रिसर्च में पता लगाया कि पिछले 5000 साल से भी ज्यादा के समय से इस लंगोट का यूज किया जा रहा है, लेकिन कहीं पर भी इसको हर्निया से प्रोटेक्शन या हाइड्रोसेल से प्रोटेक्शन के लिए नहीं बताया गया है। इस लंगोट का प्राइमरी यूज करते थे बहुत सारे ऋषि और योगी जिनको योगिक प्रैक्टिसेस में इस लंगोट से एक बहुत ही फर्म ग्रिप मिलती थी अपने पीनिस और अपने टेस्टिस को एक जगह पे होल्ड करने में। उसके बाद कुश्तियों में और अखाड़ों में इनका यूज होना शुरू हुआ। जब अखाड़ों में इसको यूज किया जाता है तो वो इसलिए किया जाता है क्योंकि जब आप अपने ओपोनेंट के साथ फाइट कर रहे हैं तो आपके टेस्टिस अगर बहुत एक्सेसिवली मूव कर रहे हैं तो उनको चोट लगने का डर है। ऑल्सो हो सकता है कि आपके ओपोनेंट का कोई भी घुटना या पैर या हाथ आपके टेस्टिस पर या पीनिस पर लग जाए और उससे आपके टेस्टिस हर्ट हो सकते हैं, तो वहां पे इंजरी होने के चांसेस हैं। लेकिन लंगोट इन टेस्टिस को अपनी जगह पकड़ के रखता है। लेकिन अगर आप जिम में यूज किए जाने वाले कॉमन सपोर्टर्स की बात करें तो उसमें और लंगोट में कोई फर्क नहीं है। इनफैक्ट एक नॉर्मल टाइट अंडरवेयर और आपके सपोर्टर में या लंगोट में कोई फर्क नहीं है। बिकॉज पहले टाइट अंडरवेयर नहीं होते थे इसलिए लोग लंगोट का यूज करते थे। जॉक स्ट्रैप का भी एक पर्टिकुलर यूज हुआ जब उसका ओरिजिन हुआ, बट ओवर द इयर्स जिस चीज के लिए उसका यूज किया जाने लगा जैसे जिम्स वगैरह के लिए, उसका उससे कोई लिंक नहीं था। वो सिर्फ एक मार्केटिंग का टूल बन गया। काफी लोग कहते हैं कि आपको प्रिकॉशन सेक ये सपोर्टर्स पहनने चाहिए, तो पहले मैं उनसे क्वेश्चन करता हूं ऐसी कौन सी प्रिकॉशन आपको लेनी है। और लेट्स से अगर आपको प्रिकॉशन लेनी भी है तो एक नॉर्मल फिटेड टाइट अंडरवेयर आपको वो सारी प्रिकॉशन दे रहा है। ऑल्सो जनरली एक सपोर्टर ओवर टाइट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रोड पर ड्राइव कर रहे हैं और आप एक मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं तो कंपल्सरली हेलमेट पहनना जरूरी है जिससे आपका एक्सीडेंट अगर हो तो आप बच जाए, आपके हेड में इंजरी ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप रोड पर चल रहे हो तो आप हेलमेट पहन के चलें। हेलमेट एक प्रोटेक्टिव गियर है जिसका एक पर्टिकुलर यूज है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। इसी तरह सपोर्टर का एक पर्टिकुलर यूज है, जैसे मैंने बताया जब आपको हार्डेंड कप होता है कुछ स्पोर्ट्स में उसका यूज होता है, उसके अलावा नॉर्मल जिम में यूज किए जाने वाले सपोर्टर का कोई भी यूज नहीं है। अगर हम हर्निया की बात करते हैं तो प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर हम हर्निया को जनरली डिफाइन करें, हम एक बहुत डिफरेंट टाइप के हर्निया होते हैं, हम सबको डिस्कस नहीं कर रहे। अगर हम कॉमन हर्निया की बात करें तो जब हमारी एब्डोमिनल वॉल वीक हो जाती है तो हो सकता है किसी भी ट्रॉमा से, फॉर एग्जाम्पल आप हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं या आपने कोई बहुत जो कि एकदम मूवमेंट करी जहां पे एब्डोमिनल पे लोड आया, हो सकता है बहुत एक्सेसिव कफिंग से या स्नीजिंग से भी आपका एब्डोमिनल जो वॉल है वो रप्चर हो जाएगा, तो जो आपके पीछे की इंटेस्टाइन्स है वो बाहर प्रोट्रूड करना शुरू कर देती है। अब किसी ने बोला कि इस हर्निया प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए हमारे को सपोर्टर्स पहनने बहुत जरूरी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर्निया से सपोर्टर्स का कोई भी लिंक नहीं है। जो आप ओवर टाइट सपोर्टर्स पहनते हैं वो आपके हर्निया को प्रिवेंट नहीं कर सकता। ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर इतना एक्सेसिवली टाइट सपोर्टर पहना जाए तो उसे हर्निया के चांसेस बढ़ जाते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ये एक दूसरा एक्सट्रीम है, क्योंकि ऐसा भी कोई इंसिडेंट निकल के नहीं आया, ना कोई स्टडी प्रूव करता है, क्योंकि आप सपोर्टर कभी भी कंटिन्यूसली बहुत टाइम के लिए नहीं पहनते, वो जनरली सिर्फ एक वर्कआउट के लिए पहना जाता है थोड़े टाइम के लिए।
तो उतने टाइम में आपका हर्निया होने का चांसेस बहुत ही रेयर है, और अगर होता है तो वो सपोर्टर की वजह से नहीं होगा, जनरल एब्डोमिनल की वीकनेस की वजह से होगा। जब हम हाइड्रोसेल की बात करते हैं तो जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो एक सैक के अंदर होते हैं जिसे हम स्क्रॉटम कहते हैं। कई बार किसी इंफेक्शन या इंजरी की वजह से इस स्क्रॉटम में पानी भर जाता है। जनरली जो हाइड्रोसेल का प्रॉब्लम यानी पानी भरने का प्रॉब्लम है वो एक साल से कम बच्चों में देखा जाता है, जो ऑटोमेटिकली एक साल आते आते ठीक हो जाता है। अगर एडल्ट एज में ये प्रॉब्लम होता है तो ये भी कोई मेजर इशू नहीं है, जनरली एक पेनलेस प्रॉब्लम है और बहुत ही एक छोटी सी माइनर सर्जरी से ये नॉर्मल हो जाता है। लेकिन सपोर्टर से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर आप सपोर्टर पहनेंगे या नहीं पहनेंगे हाइड्रोसेल्स का कोई लिंक नहीं है, ना उसे कंट्रोल कर सकते हैं ना उसकी वजह से वो होगा। सो प्लीज अपने फैक्ट्स को क्लियर करिए। अब हम देखते हैं कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशंस जो जनरली स्टडीज में रिकॉर्ड नहीं करी गई लेकिन एक कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशंस है। फॉर एग्जांपल अगर हम अखाड़ों में जो पहलवान होते हैं उनको देखें या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखें या उनके ग्रैंड पेरेंट्स को देखें जो ऐसे स्पोर्ट्स खेला करते थे, तो वो लंगोट सिर्फ उस टाइम तक पहनते थे जिस टाइम तक उनको रेसलिंग करनी होती थी। उसके अलावा पूरे दिन जो वो अंडरवेयर पहनते थे वो एक बहुत ही लूज फिटेड अंडरवेयर होता था, आजकल के टाइट फिटेड अंडरवेयर की तरह नहीं होता था। उसके अलावा अगर आज भी आप अपने एंसेस्टर्स को देखें या अगर आप कॉमनली ऑब्जर्व करें कुछ ट्राइबल्स को जो जंगलों में रहते हैं, तो वो आज भी कोई फॉर्म ऑफ अंडरवेयर या प्रोटेक्शन नहीं पहनते। जनरली उनके टेस्टीज पूरे दिन हैंग कर रहे होते हैं फ्रीली, और इन्हीं फ्री हैंगिंग टेस्टीज से वो सारी वाइल्ड मूवमेंट्स करते हैं, चाहे वो रनिंग हो, चाहे जंपिंग हो, चाहे पेड़ों पे चढ़ना हो, चाहे रोलिंग हो, क्रॉलिंग हो, वो सारी की सारी चीजें विदाउट किसी सपोर्टिव गियर के परफॉर्म करते हैं। और उनको जब स्टडी करा गया तो देखा गया कि उनमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। इनफैक्ट उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारे से जनरली बेटर होता है। और इसी वीडियो के सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में सपोर्टर्स फायदा तो कुछ नहीं करते बट नुकसान बहुत करते हैं। सो देखते रहिए, बी ए स्टूपिड।